वीडियोग्राफी आपने 100 अगस्त तक कल पोलिंग बूथ के बाहर अलाउ की है। अब इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हमें विश्वास दिलाया कि कल की इन्होंने एक चिट्ठी भेज दी है कि जो कैंडिडेट है सरपंची में खड़ा हुआ या उसका इलेक्शन एजेंट है, वो जब गिनती होगी, हमारी गुजारिश है कि जब वोटिंग ओवर हो जाएगी 4 बजे, उसके बाद अंदर इलेक्शन की काउंटिंग वहां होगी और काउंटिंग में धांधली होने का बहुत ज्यादा खदशा है हमें सारी ऑपोजिशन पार्टीज। तो हमारी रिक्वेस्ट मानी है, मगर ये नहीं मुझे पता स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना मानेगी, क्यों बहुत सारी इनकी आगे की चिट्ठियां जो लेटर एंड स्पिरिट में वहां जो इनके हुक्म है उनकी पालना नहीं हुई। तो इन्होंने ये बात हमें तस्लीम की और ये कहा है कि अगर कोई वोटर लिस्ट जो वहां कैंडिडेट है वो गिनती में अपने कैमरे के साथ उस सारी प्रोसेस को ऑन कैमरा लेना चाहेगा, हम अलाउ करेंगे। अगर कैंडिडेट नहीं है तो उसका इलेक्शन एजेंट कर सकता है। सो ये सारी बातें हमने इनके सामने रखी है। तकरीबन 600-700 से ज्यादा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इंटरवीन की है, स्टे कर दिए इलेक्शन। चंद आपने गिदड़बाहा ब्लॉक को भी देखा है, जैसे धांधली हुई है, खुद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी स्टे कर दी। हमारी मांग ये है, उनसे मैंने गुजारिश की और सारी साथियों ने गुजारिश की है कि आप कम से कम 3 हफ्ते के लिए ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो इसको पोस्टपोन कर दीजिए। हम कैंसलेशन, पंचायत की इलेक्शंस की कैंसलेशन नहीं मांग रहे, हम पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं 3 हफ्ते का।